स्वागत है आपका आजाद नेचुरल फिटनेस में। देखिए आज जो मेरा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन को लेकर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा और बैलेंस न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। देखिए जिस तरह हम दिखते हैं, फील करते हैं या परफॉर्म करते हैं, ओवरऑल जो इसका जो एक हमारा जो एक अच्छा रिक्वायरमेंट है इसका, इससे न्यूट्रिशन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें न्यूट्रिशन को हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, हमें अच्छे से डालना और इसे एक प्रॉपरली इसे समझ के अपनी लाइफस्टाइल में इसे ऐड करना। देखिए चलिए आइए बात करते हैं न्यूट्रिशन को और अच्छे डिटेल से समझने के लिए। देखिए आजकल न्यूट्रिशन का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है, जो शायद पहले इतना नहीं था। आप और हम जानते हैं कि आजकल जो खाना हम खाते हैं उनमें न्यूट्रिशन की बहुत कमी आ गई है, जिससे हमारे सेहत पर, हमारे जीवन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छा गुड न्यूट्रिशन का होना बहुत बहुत हमारे लिए लाभदायक है। देखिए अच्छा न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन से मेरा मतलब ऐसा खाना जो हमारी बॉडी में एनर्जी बैलेंस को बनाए रखने में हम मदद करता है। एनर्जी, अगर बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो शायद हम अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि अच्छा न्यूट्रिशन का हमारे लाइफस्टाइल में होना। अगर हम और अच्छे से समझिए, जैसे जिस तरह से एनर्जी बैलेंस को अगर समझना चाहें, तो जिस तरह हम क्या कैलोरीज जो हम इनटेक करते हैं, सपोज एन एग्जांपल हम 2000 कैलोरी अगर हम बॉडी में ले रहे हैं और 1000 कैलोरी ही बर्न कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारी 1000 कैलोरी स्टिल हमारी बॉडी में रह रही है, जो एक फैट की तरह डिपॉजिट होती है, हमारा बॉडी वेट बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें, अगर हम खाएं कम और बर्न ज़्यादा करें तो हमारा बॉडी का वेट हम धीरे धीरे लूज करेंगे। इसीलिए इसको जो न्यूट्रल जो बैलेंस बनाए रखने के लिए एक गुड न्यूट्रिशन जो है उसे हमें ऐड करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी जितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं उतनी हम बर्न भी कर रहे हैं, हमें जो पूरे प्रॉपरली न्यूट्रिएंट जो हमें वो पूरी प्रॉपरली मिल रहे हैं, इससे हमारी बॉडी का वेट जो है वो उसे भी मेंटेन कर सकते हैं और एक अच्छी ओवरऑल हेल्थ को भी अचीव कर सकते हैं। देखिए इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा एक न्यूट्रिशन में एक न्यूट्रिएंट डेंसिटी करके समझना, उसे भी बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट डेंसिटी से मेरा मतलब खाने के पोर्शन में कितना और कौन सा न्यूट्रिशन है उसको जानना समझना, इसको ही दर्शाता है ये। देखिए अच्छा और ऑप्टिमम हेल्थ के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी में डालना बहुत बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारी ओवरऑल बॉडी की जो ऑप्टिमम हेल्थ है, रिक्वायरमेंट है, वो हम पा सकते हैं और जो हमारी जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर। देखिए हेल्थ न्यूट्रिशन को अगर हम और मैं आपको बताना चाहूँ, सपोज कुछ लोग क्या होता है न्यूट्रिशन को अवॉइड करते हैं, खाली बॉडी कॉम्पोजिशन को ही महत्व देते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉडी में इंजरीज और बॉडी वेट कम होना और बॉडी की कैटाबॉलिक स्टेट में बॉडी चली जाना, और जिससे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते रहते हैं। तो इसे हमें बहुत ध्यान में रखना है, न्यूट्रिशन को बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमें उसे भरपूर तरीके से ले और अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें। देखिए न्यूट्रिशन के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ एक ऐसा न्यूट्रिशन को हमें ऐड करना है जिसका आउटकम अच्छा हो। न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं वो किस तरह से ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो हमारी बॉडी में डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी मात्रा में हम ले रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, इसका भी बहुत बहुत ज़रूरी है हमें ध्यान रखना अच्छी ऑप्टिमम हेल्थ के लिए। इसके साथ साथ मैं बात करूँ, देखिए हमारी बॉडी में एक लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसको हम न्यूट्रिशन के द्वारा आसानी से दूर कर सकते हैं। लिमिटिंग फैक्टर मेरा मतलब जो हमारे फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है हमारा बॉडी को उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो एक क्रिया होती है, जो रिएक्शन होता है, उसको हम लिमिटिंग फैक्टर्स के अंतर्गत कहते हैं, कहलाता है। बेसिकली इसको हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम अच्छी तरह से न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी में इंक्लूड करें, हमारे खाने में इंक्लूड करें। देखिए बेसिकली जो मेन जो फैक्टर्स होते हैं जो लिमिटिंग फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं वो है, पहला है जैसे जेनेटिक्स। देखिए हर एक व्यक्ति जेनेटिक ब्लेस्ड नहीं होता सभी का, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका वजन बहुत जल्दी कम हो जाता है, किन व्यक्तियों का वजन बहुत धीरे धीरे ही कम होता है, किसी का बॉडी वेट एकदम से बढ़ जाता है, किसी का एकदम से नहीं बढ़ता है, मसल्स किसी की अच्छी जल्दी बन जाती है, किसी की नहीं बनती है, डिपेंड करता है, यही एक जेनेटिक का मेन जो मुख्य कारण है। इसीलिए लेकिन अगर हम अच्छे न्यूट्रिशन को अपने अपने खाने में इंक्लूड करेंगे तो हम इसको आसानी से ब्रेकअप कर सकते हैं और इवन हमारी अच्छी हेल्थ को हम अचीव कर सकते हैं। इसके साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लिमिटिंग फैक्टर्स वो होती है एक्सरसाइजेस को कह सकते हैं। देखिए एक्सरसाइजेस बहुत बहुत लाभदायक है हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल को सुचारू रूप से काम करने के लिए, एक्सरसाइज का सही तरीके से होना करना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि कौन सी एक्सरसाइज कितनी इंटेंसिटी के साथ और कितनी देर तक हमें एक्सरसाइज करनी है, इन सब चीज़ों का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है हमारा माइंडसेट। देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए एक विचार, एक
सोच बहुत बहुत जरूरी है। हमें पॉजिटिव सोच रखने के साथ साथ एक सही तरीके से हमारा एक जो स्केड्यूल एक प्लान बना के हमें कार्य करना जरूरी है, तभी हम एक अच्छी और अचीवेबल जो हमारा गोल है हेल्थ का हम पा सकते हैं। साथ साथ इसकी बात करूँ तो मैं फिजियोलॉजी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लाइक हमारी बॉडी का हार्मोन्स लेवल का हमारी वजह से अपना मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो सुचारू रूप से हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सबको भी हम ध्यान में रखना चाहिए हमें, और अच्छे से चबा चबा के यू नो खाना चाहिए जिससे खाना अच्छे से पचे और हमारा ओवरऑल इसका इससे बेनिफिट हमें मिले। इसके साथ साथ जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम कह सकते हैं हमारा न्यूट्रिशन, हमारा फूड। देखिए हमें जरूर ध्यान रहे कि हमें हमारी बॉडी का ओवरऑल कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कितनी कैलोरीज हमें इंटेक करनी चाहिए, हम कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे, किस तरह की लाइफस्टाइल है आपकी, नॉर्मल लाइफस्टाइल है तो उसी तरह से इसको भी आप ध्यान में रखिए और इन चीज़ों को देखिए आप अंडरस्टैंड करके न्यूट्रिशन को हम समझ सकते हैं और अच्छे से अच्छा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान में रखिए और अपने न्यूट्रिशन को हमेशा हमेशा ऑब्जर्व करते रहें। अब मैं आगे वाले आने वाली वीडियोज़ में न्यूट्रिशन की एक डिटेल में हम बातचीत करेंगे, जिसमें हम ऑल हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो हमारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और जो भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है उन सब के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ मेरा वीडियोज़ को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, और आपका थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।